स्लाइड नंबर 5। आज हम क्या करने वाले हैं, रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। क्या क्वेश्चन में क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप जानते हैं 2l+b होता है ब्रेक, और एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है, एरिया ए स्क्वायर होता है। तो क्या बोलेगा आपको, एरिया गिवन होगा रेक्टेंगल का, तो प्रूफ करने को बोलेगा व्हेन स्मॉलेस्ट पेरीमीटर देन इट इज अ स्क्वायर। और इसी तरह से दूसरी कंडीशन होगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन होगा और प्रूफ करने के लिए बोलेगा व्हेन एरिया इज मैक्सिमम देन इट इज अ स्क्वायर। आपको यहाँ चार क्वेश्चन नज़र आ होंगे, सो दैट मैं इसमें से दो करा दूंगा, बाकी दो आप खुद करेंगे। सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एरिया। तो डायमेंशन फाइंड करने का रेक्टेंगल ऑफ का एरिया देख रखा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हुज पेरीमीटर इज लीस्ट ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर। तो यहाँ लेट करना है। अब देखो एरिया दिया है पहले क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एरिया गिवन, तो लेट एल एंड बी, तुम इसे एक्स वाई भी मान सकते थे, वो भी इजी था। लेट एल एंड बी एंड ए बी द लेंथ एंड वाइड एंड एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल रेस्पेक्टिवली। तो एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इन द ब्रेथ। यहाँ से दो वेरिएबल हैं एल और बी, उसमें से किसी एक वेरिएबल एल और बी दो वेरिएबल हैं, तो किसी एक की आप क्या करो, किसी एक के वैल्यू फाइंड कर लो। मैंने एल की निकाल ली, एल की वैल्यू क्या आ गई ए बाई बी, इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। अब क्या करना है, स्मॉलेस्ट मिनिमम किसे करना है, पेरीमीटर को। लेट पी बी द पेरीमीटर, ये फिक्स है भाई, पी ही मानेंगे पेरीमीटर को करके। लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल, टू ब्रैकेट एल प्लस बी। अब ऊपर मैंने किसकी वैल्यू निकाली, एल की फ्रॉम फर्स्ट, तो एल की जगह क्या पुट करूँगा मैं, ए बाई बी प्लस बी। अब ए बाई बी, अब डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल थे एक्स और वो एल और बी, तो इसमें से मैंने एक रिमूव कर दिया एल, अब एक बचा, जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसके रेस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करेंगे। तो बी बचा, बी के रेस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ डैश लगाएंगे। ये अपॉन में एस की पावर कितनी होगी, वन, तो डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस एन, और एक्स की पावर एन प्लस वन। तो अब यहाँ पावर कितनी है बी की, वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल क्या करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। जीरो पुट किया तो ये सब तो इस सेट गया, सिंप्लीफाई करना तो आता ही होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकाली अंडर रूट a, तो लेकिन हमें क्या नहीं पता चला, मैक्सिमम है मिनिमम है लीस्ट है या नहीं, ये पता नहीं चला। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा से यही फॉर्मूला लगेगा, ये n है एक्स की पावर n, एक्स की पावर n, और क्या हो गया किसका डेरिवेटिव, वन बाई एक्स की पावर n है ना, माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन। अब यहाँ b की पावर कितनी, माइनस टू, ऊपर माइनस a है तो माइनस टू ये गा, और टू इधर आ गया अंदर ना, ये टू नीचे, b की पावर इंक्रीज हो जाएगी और वन का जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, जिसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव की होता है यानी जिसकी वैल्यू निकाली होती है उसको यहाँ पुट करते हैं, पुट किया आपको क्या नज़र आ गया, सब प्लस में है, कोई भी माइनस में नहीं है, तो ये क्या ग्रेटर देन जीरो। तो हैंस पेरीमीटर इज स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट या मिनिमम व्हेन बी इक्वल अंडर रूट ए। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, स्क्वायर का पेरीमीटर स्मॉलेस्ट होगा बोल रहा है, स्क्वायर की क्या होती है लेंथ और ब्रेथ, ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी मेरी, ये आई थी, तो
इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बी की जगह, तो ए के फैक्टर क्या होते हैं, ये कैसे आया? अब देखो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ए के फैक्टर होते हैं ए अंडर रूट ए, अब उनमें क्या था अंडर रूट, ये कट गया तो क्या बचा, एल के इक्वल भी रूट ए आ गया और बी के इक्वल भी रूट ए आ गया, तो लेंथ इक्वल ब्रेथ होगी। तो इसका मतलब जब पेरीमीटर स्मॉलेस्ट होता है तब रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पैरीमीटर स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। तो लेट करेंगे हम इस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ और पैरीमीटर, ठीक है। उसके बाद पैरीमीटर क्या होता है, क्योंकि पैरीमीटर गिवन था 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, अब 2 अपॉन में आ गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आएगा एल प्लस बी, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली। लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ एल इंटू बी, बी की वैल्यू पुट की फ्रॉम फर्स्ट, एल से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो तो अब एल के रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी बाई टू और एल स्क्वायर टू एल। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल हमेशा जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट किया इसके इक्वल भी जीरो होगा, यहाँ से जिसके रेस्पेक्ट मैंने डेरिवेटिव किया था उसकी वैल्यू निकालेंगे, निकाली मैंने उसकी वैल्यू क्या आई, पी बाई फोर आई। अब लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि ये मैक्सिमम है मिनिमम है, लार्जेस्ट है कि नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ फोर मैक्सिमम मिनिमम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अब देखो इसका सेकेंड ऑर्डर करेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, इसके साथ एल नहीं है, जीरो हो जाएगा, इसके साथ एल है तो वन होगा, ये माइनस टू बचा, ये लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो है तो एरिया इज लार्जेस्ट व्हेन एल इक्वल पी बाई फोर। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम लार्जेस्ट एरिया तो हो गया लेकिन हमें पता नहीं चला कि ये स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ,
तो हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे एल की जगह। तो एल की जगह मैंने क्या वी बाई फोर एलसीएम लिया, बी की वैल्यू जो है कितनी आ गई मेरी वी बाई फोर आ गई। जब अब क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ बहुत इक्वल हो गए, व्हेन एरिया इज लार्जेस्ट देन इट इज अ स्क्वायर। इसमें कंडीशन क्या है, आपको स्क्वायर पीस देता है उससे आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स क्यूबॉइडल होगा, या रेक्टेंगुलर सीट देगा उससे भी बॉक्स बनाना है, वो भी क्यूबॉइडल होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 है, 6.5 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 18 है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका, 18 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ के सुना देता हूँ। स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इन टू अ बॉक्स विथआउट टॉप बाई कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of box is maximum possible? तो क्वेश्चन सुना आपने, एक स्क्वायर पीस है, अगर मैं हर एक कॉर्नर से x x x हाइट की क्या करवाऊँ, हाइट है शीट कट करवाऊँ उसको, तो यहाँ से कितना कम हुआ लेंथ वाइज देखेंगे तो x यहाँ से कम हुआ, यहाँ से x कम हुआ, ये 2x हो गया। इसी तरह इधर से देखो, x इधर से भी कम हुआ, ये वाला कम हो गया ना भाई, ये वाला x, ये 18 माइनस, पूरा 18 था, 18 माइनस 2x बचेगा, ये मैं यहाँ अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट x सेंटीमीटर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप। तो डायमेंशंस क्या आई मेरे पास, लेंथ इतनी आ गई, ब्रेथ इतनी आ गई, हाइट ही हो गई। तो लेट v बी द वैल्यूम ऑफ बॉक्स, क्योंकि अब बॉक्स कैसा बन गया क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है लेकिन हाइट वेरिएबल है, तो तीनों में से कुछ भी अलग होता है तो क्यूबॉइड होता है, तो क्यूबॉइड का वैल्यूम यही होता है l इंटू बी इंटू एच। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसे करने के दो मेथड हैं, आप क्या करो इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, उसका डेरिवेटिव करो, फिर कभी कभी फैक्टर करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक मेथड यूज कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव कर सकते हो, फिर फैक्टर करके एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। चलो यहाँ सेम थे, स्क्वायर बन गया ये एक्स, अब मैं क्या करूँगा प्रोडक्ट गुल लगाऊँगा। प्रोडक्ट गुल कब लगता है तुम्हें पता है, जब दो फंक्शन होते हैं, मान लो यू और वी हैं, तो आप क्या करते हो इसमें, पहले u का करते हो b को छोड़ देते हो, फिर b का करते हो u को छोड़ देते हो, यही प्रोडक्ट गुल होता है ना। तो मैं पहले किसका करवाऊँ, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर का करवाऊँ, x को छोड़ा, फिर किसका करवाऊँ, 18 माइनस छोड़ दिया इसको और सेकेंड फंक्शन का करवाऊँ, प्लस लगाया बीच। अब इसका क्या होगा, जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा, फिर चैन गुल लगेगा इसमें 8, ये देखो मैंने डैश लगा दिया ना, 18 माइनस 18 कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस टू, माइनस टू जो है क्योंकि एक्स का वन होगा माइनस टू, माइनस टू टू से मल्टीप्लाई हुआ माइनस फोर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ क्या एक्स का वन हो गया, ये बचा, अब देखो इसमें क्या कॉमन है, ये कॉमन है ना, 18 माइनस टू एक्स कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है बाहर निकालो, 18 माइनस टू एक्स को कॉमन बाहर है, अंदर ब्रैकेट में ये बचा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, कितने हो गए माइनस सिक्स एक्स, 18 माइनस टू एक्स, 18 माइनस सिक्स एक्स। अब मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल जीरो पुट करते हैं, पुट किया, यहाँ दो वैल्यूज आए, इसके इक्वल भी जीरो, इसके इक्वल भी जीरो। अब इनको राइट हैंड साइड जाएंगे, साइड चेंज साइन चेंज वाला कंसेप्ट चल रहा है, ये मल्टीप्लाई में आए तो डिवाइड में आएगा कट के, इसी तरह इसका भी हो जाएगा। अब एक्स की दो वैल्यूज आ गई भाई, ये तो पॉसिबल नहीं थे, एक बॉक्स की दो अलग अलग वेरिएबल हाइट हो, एक साइड 9 हो फिर एक साइड 3, ऐसा पॉसिबल नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैंने x की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसे इस लेंथ में पुट किया, x की जगह 9 पुट किया, 18 हुआ 0, क्या लेंथ 0 हो सकती, नहीं हो सकती, तो x इक्वल 9 नहीं हुआ, तो इसलिए x इक्वल क्या होगा 3, ठीक है।
4 मैक्सिमा मिनिमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, फिर से इस पे प्रोडक्ट वो लगाएंगे इस पे, समझना। पहले इसे छोड़ा इसका क्या, फिर इसे छोड़ दिया इसका क्या, अब इसका 0, इसका -6 और 18 -6 और इसका तो -2 आया। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मत करना, x की वैल्यू 3 आई ना, 3 पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे 18 हो जाएगा, ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा है, 18 में से 6 जाएगा 72 आएगा, ओ सॉरी 12 आएगा, 18 में से 6 जाएगा 12 आएगा, 12 6 जा 72। अब क्योंकि नेगेटिव आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब मैक्सिमम है, हैंस वैल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल 3। और एक बात और सुनना, कभी कभी वो पूछता है डायमेंशन आल्सो फाइंड और मैक्सिमम वैल्यू भी, तो डायमेंशन बोले तो 3 की वैल्यू यहाँ पुट करना x की जगह, और ये डायमेंशन आ जाएंगे, वैल्यूम बोले तो मल्टीप्लाई कर दो आंसर हो जाएगा। रेक्टेंगल वाला खुद करना, मैं नया क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको।